जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मैजिक मैन। आज मैं आपको अपनी जादुई छड़ी और टोपी की मदद से वर्ण विचार के बारे में बताऊंगा। तो आप सब मेरे साथ बोलो, अगड़म तू झगड़म तू, वर्ण विचार बच्चों के लिए हो जा शुरू। बच्चों, जब मोहित बहुत छोटा था और उसने बोलना ही शुरू किया था, तब उसके मुख से जो ध्वनियाँ निकलती थीं, उनका कोई अर्थ नहीं होता था। मगर अब वो बड़ा हो गया है, सार्थक ध्वनियों द्वारा शब्द और वाक्य बनाना सीख गया है। तो बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले उसके ध्वनि समूह को सीखना जरूरी है। यही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे पुस्तक, पुस्तक बराबर प जोड़ उ जोड़ स जोड़ त जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ ध्वनियों से मिलकर बना है। बच्चों, इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं: स्वर अ आ ई ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। 11 अनुस्वार अन सुंदर, शब्द में अनुस्वार लगा है। अनुनासिक अंग चांद, शब्द में अनुनासिक लगा है। विसर्ग अह अतः, शब्द में विसर्ग लगा है। आगत ध्वनिया चंद्र डॉक्टर नुक्ता जिंदगी। व्यंजन क ख ग घ ड च छ ज छ य ट ठ ड ढ ण ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। पंचम वर्ण संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। बच्चों, उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। बच्चों, पहले स्वर की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। उच्चारण के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं: स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं: अ ई उ रि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं: अ ई उ ऐ ऐ ओ औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, हे राम, सुनो आदि। स्वरों की मात्राएं, स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। बच्चों, कुछ उदाहरण देखते हैं जिनमें स्वर उनकी मात्राएं
मात्राओं के साथ व्यंजन और उनसे बने शब्द दिए गए हैं। अ स जोड़ अ बराबर स, समर बराबर स जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ, आ ख जोड़ अ बराबर खा, खाना बराबर ख जोड़ आ जोड़ न जोड़ आ, इ ल जोड़ इ बराबर ली, लिखा बराबर ल जोड़ इ जोड़ ख जोड़ आ, इ क जोड़ इ बराबर की, कीड़ा बराबर क जोड़ ई जोड़ ल जोड़ आ, उ स जोड़ उ बराबर सु, सुबह बराबर स जोड़ उ जोड़ ब जोड़ अ जोड़ ह जोड़ अ, उ ध जोड़ उ बराबर धू, धूल बराबर ध जोड़ उ जोड़ ल जोड़ अ, रि क जोड़ रि बराबर क्रि, कृपा बराबर क जोड़ रि जोड़ प जोड़ आ, ए म जोड़ ए बराबर मे, मेल बराबर म जोड़ ए जोड़ ल जोड़ आ, ऐ ब जोड़ ऐ बराबर बै, बैल बराबर ब जोड़ ऐ जोड़ ल जोड़ अ, ओ स जोड़ ओ बराबर सो, सोच बराबर स जोड़ ओ जोड़ च जोड़ अ, ओ म जोड़ अ बराबर मौ, मौन बराबर म जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ, अन स जोड़ अन बराबर संग बराबर स जोड़ अन